एटा में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी शालिनी गुप्ता के पक्ष में मेहता पार्क में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने गिनाया। वहीं केंद्र की मोदी सरकार की 3.5 साल के कार्यों को बताया और कहा, मोदी के समय में हिंदुस्तान दुनिया के लिए सिरमौर बना हुआ है। 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बहुत जल्दी पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और भगवा लहराएगा। बगैर नाम लिए अजमा खां के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के नगर विकास मंत्री जैसा उल्टी खोपड़ी का नेता पूरे देश में नहीं देखा। वहीं हाफिज शहीद के ऊपर पूछे गए सवाल पर कहा कि पाकिस्तान ने दोरंगी नीति अपनाई है और बीजेपी इसका कड़ी निंदा करती है और कड़ा विरोध जताती है। उनके सभी पार्षद सभासद प्रत्याशीगण, जलेसर श्री विकास मित्तल जी, नगर पालिका जलेसर के साथ सामानीगंज के नगर पालिका के विजय गुप्ता जी, मालाहरा की गोल्डी गुप्ता जी और आप और मीडिया के माध्यम से एटा के अलावा इन नगर पालिकाओं के साथ साल नगर पंचायत सचिव के प्रत्याशी मुकेश जैन जी, पाकिस्तान कोर्ट ने बरी कर दिया है। पाकिस्तान ने तुरंगी नीति अपनाई है, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निंदा करती है और सख्त विरोध दर्ज कराया। एटा से आरबी द्विवेदी की रिपोर्ट।